हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 22 को 21 को किया था। इस सेक्शन में हम लोग सेक्शन 22 को कवर करेंगे। तो सेक्शन 22 ये बात करता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। तो ये बात करता है कि ओरल एडमिशंस कब डॉक्यूमेंट को लेकर के, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर ओरल एडमिशंस कब रेलेवेंट होंगे। अब एज अ जनरल रूल बात करें तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होता है तो उस डॉक्यूमेंट को हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है। हम इस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को इस ओरली नहीं प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में हम उसको ओरली प्रूफ कर सकते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बात करता है कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वो रेलेवेंट होंगे। तो व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट, सो ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। तो मेनली क्या होता है कि जो ओरल एडमिशंस होते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर के वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, अनलेस एंड अनटिल। तो यहाँ पे अनलेस और अनटिल लिखा है, कब तक नहीं होते हैं, अनलेस द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज इंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर द रूल हेयर इन आफ्टर कंटेंट और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो चीज की बात कर रहा है, वो तब तक नहीं होते जब तक कि वो पार्टी हैं वो उनको आप मतलब कि प्रूव कर सकें कि जो उनको या तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जाए, देने का मौका दिया जाए ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट अंडर द रूल हेयर इन आफ्टर कंटेंट और अनलेस द जेन्युइननेस, जब तक कि या उसकी अगर जेन्युइननेस को लेकर के क्वेश्चन उठा रहा है तो उस क्वेश्चन में भी वो उसको सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू या ओरल एडमिशन के थ्रू प्रूव कर सकती हैं। इसको एकदम सिंपल में समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो अगर कोई भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, लाइक कि यहाँ पे अगर हम कोई भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेते हैं, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो मेनली क्या है कि हम ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशन से जो डॉक्यूमेंट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ओरल एडमिशन से। लेकिन किस केसेस में हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अब ओरल एडमिशन से कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं प्रूव करते, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एविडेंस रूल अप्लाई होता है। हम लोग सेक्शन 91 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये बेस्ट एविडेंस रूल के प्रोविजंस मिलेंगे कि अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है तो आप उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ शो करिए। आप उसको ओरली नहीं प्रूफ कर सकते कि नहीं ये चीज़ लिखी गई थी, आप उसका उसको प्रूफ कीजिए। लाइक ए है और बी है, अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप ये नहीं आके कोर्ट, अगर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट में बी कंडीशन ब्रीच करता है तो आप कोर्ट में नहीं कह सकते कि सर ये किसने इस कंडीशन को ब्रीच किया है। आप पहले वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर आप डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाओगे तो आप उसको ओरल एविडेंस जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ पे आता है कि ओरल एविडेंस जो एडमिशन हो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को नहीं दिया जाता। लेकिन अब देखें हम अगर इस चीज़ को कि कोई डॉक्यूमेंट है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, एक तो हम इस पर प्राइमरी एविडेंस ले आए। तो प्राइमरी मतलब कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसकी हम ओरिजिनल कॉपी ले आए, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी अगर हम लेके आते हैं तो उससे प्रूफ हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस लेके आए। अब 5 में 63 में प्राइमरी एविडेंस को लेकर के दिया गया है, 65 में सेकेंडरी एविडेंस को लेकर के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो प्राइमरी एविडेंस से करेंगे, और प्राइमरी अगर हमारे पास नहीं है लाइक वो लॉस्ट है या अपोजिट पार्टी में, तो हम सेकेंडरी एविडेंस से उसको प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस से अलाउ किया जा सकता है हमको कि हम उस डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ करें। अब हमारे पास अगर कोई सेकेंडरी, नॉर्मली प्राइमरी स्टेज पर तो हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस है कोई, तो उस पे सेकेंडरी एविडेंस से लेकर के अगर हम सेकेंडरी एविडेंस पे कोई क्वेश्चन उठता है जेन्युइननेस को लेकर के डॉक्यूमेंट को, उस केस में हम ओरल एडमिशन दे सकते हैं। हम लोग सिंपल में समझते हैं कि कब हम ओरल दे सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लाइक एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये लोग एक डीड बनाते हैं, इस डीड में कंडीशन लिखते हैं अपने सेल को लेकर के, ठीक है, कि हम इस चीज़ का सेल करेंगे, और अगर उसमें ब्रीच होने पे भी कंडीशंस को डाल देते हैं।
अब क्या होता है कि बी जो है वो उस कंडीशन को पूरी नहीं करता है। अब ए क्या करेगा, ए इसके बी के अगेंस्ट में सूट लेके आता है। सूट में वो कहता है कि सर इन्होंने जो इनके पास चीज़ें हैं, मतलब इन्होंने जो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच किया है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट अगर देता है तो उस प्राइमरी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोर्ट ये देखेगी कि इनके बीच में हुआ है। लेकिन क्या होगा कि अगर ए के पास मान लो प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है एक टाइम के लिए, तो इसके पास एक इसकी जो भी डीड थी इसकी एक फ़ोटो कॉपी है। फोटो कॉपी तो एक तो हमारी सेकेंडरी एविडेंस हो गई, लेकिन ए कहता है कि सर जब मैं कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पे एक पर्सन सी है, आप सी से पूछ लो। तो डायरेक्टली कोर्ट कभी सी से नहीं पूछेगी। और बी अगर डिनाई कर देता है कि नहीं सर हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, अब इस केस में ए कहेगा कि सर हमें सेकेंडरी एविडेंस हमारे पास है, हम सेकेंडरी एविडेंस से इस डीड को प्रूफ करना चाहेंगे। तो उस केस में क्या है कि वो डीड की फोटो कॉपी को शो करेगा कि हम इसको सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ करना चाहता। अब वो जब सेकेंडरी एविडेंस की कॉपी दिखाएगा तो उस केस में वो अब जो सी पर्सन है वो कह सकता है कि आप सी से सी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे था। तो जो सी पर्सन है अगर वो कोई ओपिनियन देता है उस पर तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो सेक्शन 22 जो है यही बात कर रहा है कि तो ओरल एडमिशंस टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। तो ओरल जो एडमिशंस होते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर के वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, अनलेस एंड अंटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव, जो कि पार्टी उसको प्रूव करना चाहती है, प्रूव देम सोच दैट इज इंटाइटल टू गिव सेकेंडरी। जब तक जब वो ये प्रूव करती है कि सर हमको सेकेंडरी एविडेंस देने का मौका मिले ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के अंडर द रूल्स एज इन आफ्टर कंटेंट और अनलेस, ठीक है, तो या तो हमें सेकेंडरी एविडेंस देने का मौका मिले तो वहाँ पर वो सेकेंडरी एविडेंस देगा और उस सेकेंडरी एविडेंस के बेसिस पे ओरल एडमिशन को करेगा प्रूव। या कहता है कि जब जेन्यूननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर उसकी जेन्यूननेस लाइक कि अब यहाँ पे सेम कंडीशन ए और बी है, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया लाइक ए है यहाँ पे बी है, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ए एक कॉपी दे दे रहा है और बी कहता है कि नहीं सर ये तो फ्रॉड डीड है, यहाँ पे ये फ्रॉड डीड है। अब उस केस में क्या कहता है कि सर जिस टाइम पर अब ये इसने चैलेंज कर दिया इस डीड को कि अब इस जेन्यूननेस पे इसके क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो है, अब इसकी जेन्यूननेस को लेकर के जो क्वेश्चन है, तो ए कहता है कि जिस टाइम सर ये हो रहा था उस टाइम सी भी था। अब सी जो आके इस जेन्यूननेस को लेकर के अपना स्टेटमेंट देगा, मान लीजिए वो कहता है कि हाँ सर जिस टाइम पे हुआ उस टाइम मैं भी था, ये जेन्यून है, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ था। तो ये जो जेन्यूननेस है ये उसका ओरल एडमिशन जो है वो ओरल एडमिशन जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा, वो चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी। तो सेक्शन 22 इसकी बात करता है। नाउ हम लोग देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 ये आईटी अमेंडमेंट 2000 से आया है, इसमें बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उस पर ओरल एडमिशन कब रेलिवेंट होंगे। तो ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर नॉट रेलिवेंट अनलेस द जेन्यूननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन क्वेश्चन। तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं अगर उनकी जेन्यूननेस पे कोई क्वेश्चन उठता है तभी वो उस पर ओरल एडमिशन दिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कभी भी ओरली नहीं प्रूव कर सकते हो। तो कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए आप कोई ओरल एडमिशन कभी नहीं दे सकते। कब हम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है कि जब जेन्यूननेस जो उसकी है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वो क्वेश्चन में हो उस केस में दिया जा सकता है। सेम जैसे हमने ऊपर वाला समझा था वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है उसकी जेन्यूननेस को लेकर। तो इसको लेकर के क्या है कि अगर आप 73 में ए में अगर सर्टिफिकेट ला करके दे देते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी से तो ये चीज़ें प्रूफ हो जाएगी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी कह दे कि नहीं ये चीज़ें ये एकदम जो जेन्यून है ये डॉक्यूमेंट वो एकदम जेन्यून है तो वो चीज़ मान ली जाएगी कि एज ए ओरल एडमिशन की वो आकर के कह भी देता है तो वो चीज़ें सही मानी जाएंगी। तो सेक्शन 21 और 22 और 22 ए ये बात करता है मेनली कि ओरल एडमिशन कब कंटेंट को लेकर के दी जा सकती हैं। तो इसमें इतना है, अब हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं ये वाला लेक्चर।